ज रिलेटेड टू अर्टिस्ट तो इसी लॉजिक से सिंफिनिक रिलेटेड होगा तो रिलेशनशिप यहां पर हमारे पास कौन सी है इस को समझ लेते हैं लेकिन रिलेशनशिप अगर मैं ध्यान से देखू तो मुझे पता है कि पेंटिंग को कौन बनाता है आर्टिस्ट बनाता है ठीक है दिस इज आर्टिस्ट सो वी कैन सी दिट पेंटिंग इज क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट इन द सेम वे आई गेन से दिफनीटेड बाई होम यही मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है इज क्रिएटेड बाय अब यहां पर मुझे देखना है कि कौन सा वर्ड आएगा ओके okay. अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको पता है कि सिंफनी uh, होता है क्या बेसिकली सिंफनी इज अ लॉन्ग म्यूजिकल नोट लॉन्ग म्यूजिकल नोट ऑल राइट अब आपको पता है नोवेलिस्ट क्या बनाएगा नोवल बनाएगा इसको कोई भी पढ़ सके। सकेट विल क्रिएट अ इन सेम वे विल क्रिएट एन राइट। एंड कंपोजर विल क्रिएट अ म्यूजिक सो आई कैन से जो यहां पर म्यूजिकल नोट्स होंगे वो कौन बनाएगा कंपोजर विल मेक सो क्लियर आंसर विल बी कंपोजर सो गाइस दिस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनोड करे डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर